उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जोशीमठ पहुंचे, क्योंकि जोशीमठ का दौरा पहले से उनका निर्धारित था और निर्धारित दौरे के चलते लोगों ने भी उनसे बातचीत की है और कुछ परिवारों से मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात तक की है। जोशीमठ में प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया है और उन लोगों से भी बातचीत की है जो प्रभावित इलाकों में रहते थे, उन घरों में रहते थे जो जर्जर हो चुके थे और कभी भी गिर सकते थे क्योंकि वहां पर खतरा बना हुआ था। इसलिए सरकार ने एक निर्णय लिया और वह निर्णय अब सबके सामने है। कल खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे, मैं खुद जाऊंगा जोशीमठ और लोगों से मुलाकात करूंगा, बातचीत करूंगा। आज लोग काफी भावुक होते नजर आए मुख्यमंत्री को देखकर, और क्यों ना हो, क्योंकि मुख्यमंत्री से उनको आस है, उनके मुख्यमंत्री ही उनका बेड़ा पार कर सकते हैं, उनको एक नई जिंदगी दे सकते हैं, क्योंकि वो परेशानी में थे, वो प्रकृति के सामने भी नतमस्तक थे। अब करे तो क्या करे, सरकार ही कर सकती है। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं ये जोशीमठ की है। लोग किस तरह से की बातों को मुख्यमंत्री के सामने रखते नजर आ रहे हैं। चारों तरफ लोगों से घिरे हुए थे मुख्यमंत्री धामी, उनसे ही मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। जोशीमठ के लोगों ने एक एक बात बताई, उनके साथ क्या हुआ, वो कितने चिंतित है ये भी बताया, क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं। जो काम यहाँ पर होने हैं इसके बाद आपदा, अभी तो पहले सबसे बड़ी बात है कि आपदा से कैसे हम लोग ठीक प्रकार से सबको सुरक्षित निकाल पाएंगे, हमारी चुनौती है। उसके बाद जो दीर्घकालिक योजना है कि इसको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है, ये हमारे लिए बहुत ही महत्व है, महत्व का कारण भी है। ये एक सबसे पहला मठ यहाँ स्थापित हुआ है पौराणिक रूप से, हर प्रकार से, हर दृष्टि से, देश की सामरिक रूप से भी हमारा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए हम उन सभी पर काम कर रहे हैं।